डीजी जोन दावा शेरपा मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर जिलाधिकारी के विजय पांडियन मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने मंडल एवं जनपद वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी है तथा सभी के सुख समृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। गोरखपुर जोन के निवासियों को अपनी शुभकामना देते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए नया वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मंडलवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने जनपद वासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में जनपद वासियों की सभी अपेक्षाएं पूरी हो जाएं। उम्मीद है कि नया वर्ष पिछले वर्ष से बेहतर होगा। जिलाधिकारी ने सभी को सचेत करते हुए कहा कि अभी भी सतर्क रहना होगा, सचेत रहिए और बच कर काम कीजिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर जिलाधिकारी के विजय पांडियन मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव तो एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने कहा। गोरखपुर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से और गोरखपुर जोन की पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं इसके लिए कि नया वर्ष आपका मंगलमय हो, सुखमय हो और सुरक्षित भी हो। विशेष अपील यह है कि नववर्ष के जो कार्यक्रम है उसको मनाते समय में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। किसी प्रकार के हुड़दंग भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएंगे, कोविड नियमों को पालन करना है और इसलिए कृपया अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं पुनः नया वर्ष की शुभकामनाएँ देता हूँ। देखिए, नव वर्ष पर गोरखपुर जनपद के साथ साथ गोरखपुर मंडल के समस्त जनमानस को, बाकी सभी समाज के विभिन्न वर्गों को, आप सभी मीडिया के बंधुओं को मैं नव वर्ष पर 2021 पर अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 2020 वर्ष बहुत चैलेंजिंग रहा है और हम लोगों ने कई चीज़ें इसमें सीखी हैं और स्पेशली कोरोना से लड़ाई जो है अनवरत जारी है और 2021 में आपके सभी के मंगलमय जीवन और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ। गोरखपुर वासियों को गोरखपुर जिला प्रशासन के तौर से हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपका मंगलम हो और नया साल में जो आप इच्छा करते हैं वो सारे प्राप्त होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और इस साल और सावधानी से रहिए ताकि 2020 जो हम लोग को थोड़ा कठिन रहा है, ताकि कोरोना काल में बहुत सारे संकट सामने करना पड़ा हम लोग का, जनता को भी, सभी का। और 21 शुरुआत तो अच्छा हो रही है, ताकि टीकाकरण का अभी खबर मिल गया है, बट कोरोना हम लोग के बीच में है, अभी हम लोग को सतर्क रहना है। तब तक ये कोरोना पूरा वाइप आउट नहीं होता है, पूरा ख़त्म नहीं होता है, तब तक सतर्क रहना पड़ता है हम लोग का। इसलिए जो सावधान जो 3 मूल मंत्र है उसका हमेशा याद रखें, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ बार बार धोना है। और अभी भी सचेत रहिए, बच के काम करिए और इस साल आपको पिछले साल से बेहतर ही होगा, ताकि पहले से हम लोग काफ़ी स्तर से मेडिकल सुविधाएं, बाकी सुविधाएं बढ़ा दिए पहले से, अभी कैसे हैंडल करना है वो भी सब लोग जान गए, इसलिए तो पहले जैसे परेशान नहीं होगा। फिर भी आप सतर्क रहिए, आप सभी को मेरा तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष की सारे गोरखपुर वासियों को, हमारे नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल बहुत अच्छा रहे सबके लिए और सब लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी गोरखपुर वासियों को। जैसा कि देखा 2020 में कोविड के कारण बहुत सारे तरीके से हमने प्रोटेक्शन बरती है, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा है, तो आने वाले इस नए साल में भी, अभी जब तक कि वैक्सीन नहीं आती, सभी को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसको मनाएं। सबके स्वास्थ्य, सबका मंगलकारी हो, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर। मेरी ओर से सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है आप सभी से, आगामी वर्ष को हम स्वच्छता का वर्ष मनाएं। अभी हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन भी प्रारंभ किया है, परंतु सोर्स सेग्रीगेशन अर्थात घर में सूखा
कूड़ा और गीले कूड़े को अलग अलग नहीं कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि नए वर्ष में ये संकल्प लें कि सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग अलग करेंगे, हम उसको कलेक्ट करेंगे और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के माध्यम से कूड़े का निस्तारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी जनपद वासियों को जिला प्रशासन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और कोविड के संक्रमण के मद्देनज़र 5 से अधिक कहीं पर भी पब्लिक के लोग इकट्ठा होते हैं तो इसके लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा और आयोजनों के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त 2 मीटर की दूरी और मास्क है ज़रूरी सिद्धांत का पालन करना होगा, तभी कोविड से सुरक्षा संभव है। धन्यवाद। सभी जनपदवासियों को गोरखपुर पुलिस की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि सभी स्वस्थ रहें। और जैसा कि ये जो साल बीत रहा है 2020, आपने देखा कि पूरा कोरोना काल रहा और काफ़ी कुछ बैकफुट पे रहा आदमी, अब ऐसी स्थिति ना आए तब भी सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क लगाना या जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी फॉलो करना है ताकि आगे भी उस तरीके से सभी स्वस्थ रहें। देखिए, गोरखपुर के सभी वासियों को मेरी तरफ से नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा नववर्ष सबके लिए अच्छा रहे, सभी उसको खुशी से मनाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और सभी पूरा प्रयास करें, क्योंकि इस समय कोरोना की ये महामारी इस समय अभी भी चल रही है, इसलिए अपने घरों में रहकर ये सेलिब्रेशंस करें। और इनकेस अगर आपको सेलिब्रेशन बाहर करने हैं तो जो प्रोटोकॉल है, जो शासन और प्रशासन की गाइडलाइंस है, उसका पालन करें। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2020 अब जाने को है, 2021 के लिए हम गोरखपुर के सभी जनपदवासियों को, यहाँ के अभी सभी अपने सहकर्मियों को, यहाँ के माननीय सांसद जी को, सभी विधायक को जी को, और साथ में हमारे बहुत ही तेजस्वी और कर्मठ परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नौ वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि 2020 जो हम लोगों को एक तरह से बहुत सी पाठ पढ़ाया है, प्रकृति की तरफ झुकने को बाध्य किया है, जो भी भौतिक सुख है उसके प्रति सबकी थोड़ी सी विचार और दृष्टिकोण बदले हैं, जो दूर दूर रहते हैं थोड़े नज़दीक आए हैं, आपस में पारस्परिक संबंधों को, मानव जीवन में क्या महत्व है यह बताया है। यदि इसी चीज को हम पॉजिटिव के रूप में लें तो 2020 को भी अंतिम नमस्कार कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि 2021 इस तरह से पाठ नहीं पढ़ाएगा और सभी को सुख शांति और स्मृति से रखेगा।